हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। आज का जो प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 8 है। 7 होना चाहिए था, बट मेरे को ध्यान आया कि जो मैंने वीडियोस पोस्ट किए उसमें मैंने 2 बार 5 डाला था, तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस नंबर 8 है। और इस प्रोसेस का नाम है इवेल्युएटिंग ड्रीम्स। इवेल्युएटिंग ड्रीम्स का मतलब सपनों की जांच करना। आपके जो सपने आते हैं उनका कोई ना कोई मीनिंग होता है आपकी लाइफ में। और यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज डालना चाहूंगा। मैं इस वीडियो बनाने से पहले ये सोचा था, पूरा दिन सोचा था, अभी रात हो रही है, बट पूरा दिन सोचा था कि मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास कोई रियल लाइफ एग्जांपल है नहीं। तो फिर मेरे को अचानक से अपने फोन पे मैं सर्च कर रहा था कुछ, और मेरे को इंस्टाग्राम पे था, और मेरे को अचानक से एक स्टोरी दिखी एक पर्सन की, जिसने बोला, शॉर्ट वर्जन ऑफ द स्टोरी इज कि उसको किसी का फोन आ रहा था सपने में, कोई पर्सन का फोन आ रहा था। फिर उसने उठाया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अगले दिन उसने वापस सेम सपना देखा, तीसरे दिन उसने वापस सेम सपना देखा। वो परेशान हो गया, उसके जो सपने आ रहे थे उसकी लाइफ में, तो वो उसने बिल्कुल उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। और एक टाइम पे वो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते वक्त वो हाईवे पे मर्ज कर रहा था, और उसको उसी पर्सन का फोन आया। तो उसका दिमाग फिर गया, उसको उसने देखा जैसे ही फोन को कि उस पर्सन का फोन आया, तो उसने सीधा उठाया। जब तक वो हेलो बोले, पीछे जो गाड़ी थी उसको हॉर्न मारते हुए आगे उसको ओवरटेक करके चली गई। और जैसे ही उसने गाड़ी ने ओवरटेक किया, वो हाईवे पे पहुंची, उन दोनों का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और जो पर्सन था जिसको फोन आया था वो बच गया। वो हेलो हेलो कहता रहा, किसी ने कुछ बोला नहीं। अगले दिन उसने उस पर्सन को वापस फोन किया, और उस पर्सन ने बोला कि मैंने तो तेरे को कोई फोन नहीं किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो उस पर्सन को जानती नहीं थी, तो उसको सपना क्यों आया? तो ये है, इस तरीके से काम करता है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस तरीके से काम करता है आपकी ड्रीम्स, आपका सोल। आपका जो सोल है हमेशा आपको मैसेजेस देता रहता है। अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हमारा जो थिंकिंग माइंड है, उसको रोकता है, क्योंकि हमारा थिंकिंग माइंड इधर से उधर कुछ ना कुछ कमेंट्री पास करता रहता है। अरे उसके कपड़े देखो, अरे इसने क्या पहना है, अरे इसने क्या किया, अरे तूने क्या किया, अरे वो क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो वो बक 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 चलती रहती है दिमाग में। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, और आपका जो सोल है, आपको कभी भी मैसेजेस नहीं दे पाता है। और आपकी ये बात नहीं है, सारे लोगों की बातें, मेरे साथ भी हमेशा मेरे दिमाग में थिंकिंग चलती रहती है, बट मैं कोशिश करता हूं कि अपने आप को जितना कॉन्शियस रख पाऊं करूं। तो खैर, ये है इवेल्युएटिंग ड्रीम्स प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, आपकी जो सोल है आपको मैसेजेस देता रहता है। एक तरीके से आपको सोल बताता है कि ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइफ में, मान लो, अगर आपकी ये फीलिंग है कि आपकी फ्रीडम कम हो रही है, तो वो एक इनिशियल स्टेप है मैनिफेस्टेशन का। अगर आपकी वो फीलिंग चलती रही, तो आपकी फ्रीडम बाकी चीजों में थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्ट होने लग जाएगी, और वो किसी टाइप से भी मैनिफेस्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को लगता है उसकी फ्रीडम कम हो रही है किसी भी कारण से, अगर वो उस बारे में नेगेटिव थिंकिंग करता रहा, तो उसके पैसे कम हो जाएंगे, या उसकी टांग निकल जाएगी, उसका हाथ निकल जाएगा। जिस तरीके से भी उसकी फ्रीडम कम होती, वो कम होती रहेगी। तो वो एक तरीके से शुरुआत का एक मैनिफेस्टेशन है। अगर उस फीलिंग को मेंटेन करते रहे, अगर नेगेटिव फीलिंग को मेंटेन करते रहे, तो वो मैनिफेस्टेशन बढ़ती रहेगी। सेम आपकी जो ड्रीम्स है, वो पहला स्टेप है। वो जो मैनिफेस्टेशन, इनिशियल मैनिफेस्टेशन होने वाली है, उससे पहला वाला स्टेप है। अगर आपकी फ्रीडम कम होने वाली है, तो आपकी ड्रीम्स में आपको ये सपना आएगा कि आपको किसी ने जिंदा गाड़ दिया, या आपको किसी ने हाथ पैर बांध के पानी में फेंक दिया, तो एक तरीके से आपकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हुई। अगर आपको ऐसे सपने आते हैं, तो एक तरीके से आपको सोल एक तरीके से मैसेज दे रहा है कि आप जो पाथ पे हो, वो आपको इस पाथ पे ले जाएगी। अगर आपको जाना है तो चलते रहो, पर अगर आपको चेंज करना है, तो ये अच्छा टाइम है, चेंज करो। तो एक तरीके से आपको एक हेड्स अप देती है, एक तरीके से कॉशन देती है, उस कॉशन को आपको समझना है। अब एक चीज बहुत जरूरी है कि जो आपको सोल आपको जो मैसेजेस देती है, वो अलग अलग तरीके से देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे फ्रेंड की
एक रिलेशनशिप चल रहा था, उसका रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था और उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती रही कि उसको तोड़ देना चाहिए रिलेशनशिप। तो उसने कंफ्यूज था कि क्या करे, और उसको एक सपना आया कि वो एक तरीके से उसने काले कपड़े पहन रखे और वो काले कपड़े फाड़ फाड़ के वो तोड़ रहा है और उसको अच्छी फीलिंग लगी। अब वो जो जो आपकी जो ड्रीम्स हैं उसमें आपको फीलिंग कैसी आती है वो बहुत मेजर इशू है। मान लो अगर आप कैंपिंग कर रहे हो सपनों में, या आप हाइकिंग जा रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उसमें अच्छे मूड में हो तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छे तरीके से चल रही है। पर अगर आप डर के उठ रहे हो, अगर आप फियर में उठ रहे हो, तो एक तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन गलत चल रही है। तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपको एक सोल मैसेज दे रहा है। अगर उस मैसेज को आप ढंग से समझ लो और उसका ही एक तरीके से उसको सीढ़ी पकड़ के अगर आप उसका बेनिफिट उठा के अगर आप दूसरे डायरेक्शन में जाओगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यही चाहता है आपका सोल कि आप उस मैसेज को लो और उसका मैसेज का फायदा उठाओ। अब जो जो आपकी ड्रीम्स है एक इस लेवल पे काम करती है और एक दूसरे लेवल पे भी काम करती है कि आपकी जो ड्रीम्स है आपको एक तरीके से मैसेजेस भी देती है, सॉल्यूशंस देती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल बहुत ही फेमस राइटर है जिन्होंने लिखी है थिंक एंड ग्रो रिच, मेरे ख्याल से इधर पढ़ी होगी। थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक है बहुत ही फैंटास्टिक बुक है। उन्होंने उनकी जो बुक थी वो उसका बुक का नाम एक्चुअली थिंक एंड ग्रो रिच नहीं था, कुछ और था, और उसका पब्लिशर उसके पब्लिशर ने नेपोलियन हिल को फोन किया, बोला कि तेरे पास आज लास्ट दिन है बुक का नाम डिसाइड कर ले, नहीं तो ये बुक का नाम होगा। और बहुत ही बेहुदा नाम था जो इनिशियल इनिशियल नेम था। तो नेपोलियन हिल ने बोला प्लीज ये नाम मत रखना, मैं तेरे को कल तक अच्छा सा नाम बताता हूँ। और वो रात को जब सोए थे उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोला, अपने सोल को बोला कि प्लीज मुझे अच्छा सा एक नाम दे दे और मेरे को जो ये बुक है बहुत सक्सेसफुल क्रिएट करनी है। और उन्होंने बहुत पॉजिटिव फीलिंग जनरेट की अपने में अंदर, और रात के 3 बजे उनको मैसेज आया कि बुक का नाम थिंक एंड ग्रो रिच होना चाहिए। तो उन्होंने पब्लिशर को फोन उठाया, बोला कि ये नाम है और आज के टाइम पे वो टॉप नंबर पे बुक आती है। तो ऐसा काम करती है बिलीफ। एक और एग्जाम्पल ये है कि जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे उनको काफी टाइम तक वो कोशिश कर रहे थे कि कुछ नया सोल्यूशन निकाले अपने इन्वेंशन के लिए। तो वो क्या करते थे, एक नया ट्रिक अपनाते थे कि अपने हाथ में एक बॉल रखते थे, मेटल बॉल रखते थे, और उस मेटल बॉल को रख के अपने डेस्क पे सो जाते थे। अब सो के जैसे ही अगर उनकी आंख लगती वो जो बॉल है वो फर्श पे गिरती, उनके कारण वो उठ जाते, और जैसे ही वो उठते उनको सोल्यूशन उनके दिमाग में होता। अब ये जो टेक्निक है ज्यादातर उनकी हमेशा काम नहीं आई, बट कभी कभी बहुत काम आई और उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन भी किए। यही सेम टेक्निक एक और आर्टिस्ट ने यूज किया जिनका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, बट बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है वो। और उन्होंने इसी तरीके से उन्होंने अपनी जो सोर्स के मैसेज है उसको यूज किया। ये ध्यान रखिए कि जो भी इन्वेंशन आज तक हो रहे हैं या हो चुके हैं, ये आईफोन जो बन रहा है, ये मार्कर जो बना हुआ है, ये सब कुछ आपके माइंड में था। और वो माइंड, ये ह्यूमन माइंड की बात नहीं कर रहा, ये यूनिवर्सल माइंड की बात कर रहा हूं। जो यूनिवर्सल एनर्जी है उस उधर से वो मैसेजेस आए हैं और उधर से हमारे ह्यूमन माइंड ने उसको पकड़े हैं और उसको पकड़ के उन्होंने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो इसलिए बोलते हैं माइंड अबाउ मैटर, क्योंकि माइंड में पहले आता है फिर मैटर क्रिएट होता है। तो ये है इवेल्युएटिंग ड्रीम्स। आपकी जो ड्रीम्स है होती हैं उनको इवेल्युएट करें। अब जो प्रैक्टिकल टर्म्स पे आते हैं कि आपको कैसे इवेल्युएट करनी चाहिए आपकी ड्रीम्स। रात को जब आप सोते हो अपने अपने जो माइंड को है एकदम पॉजिटिव मूड में हो जाओ बिल्कुल। अगर चाहिए तो मेडिटेशन करना तो मेडिटेशन कीजिए। मेरे को सबसे पर्सनली मेरे को ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत बहुत काम आती है। बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स है, आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, और मैं शायद एक वीडियो भी बनाऊंगा। ब्रीदिंग टेक्निक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर वो करते हैं तो उसमें अचानक से आप पॉजिटिव मूड में आ जाते हैं, आपकी थिंकिंग बिल्कुल बंद हो जाती है, और उस टाइम पे आप एक मैसेज डाल दीजिए, एक बीज बो दीजिए कि मेरे को ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे को इसका सोल्यूशन बता दो। अब जो आप बीज बो रहे हो वो ना आपकी डेस्परेसी से होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को अभी आंसर चाहिए प्लीज यूनिवर्स, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा या मेरी लाइफ फेल हो जाएगी।
अगर इस डेस्परेशन में अगर आप मैसेज डाल रहे हैं तो यूनिवर्स आपको फायदा नहीं देगी, कुछ भी मैसेज नहीं देगी। आपको सिर्फ ये बोलना है कि यूनिवर्स मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में ये चीज आए, या मैं चाहता हूं ये जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है इसका सोल्यूशन आप बताओ, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके पास सोल्यूशन है और आप सोल्यूशन ईजिली दे सकते हो। अगर ये डाल के अगर आप सोते हो रात के टाइम पे, आप एक डायरी रखोगे, उस डायरी पे अगर आपको कोई सपना आता है, अगर आप उठते हो बाथरूम के लिए या पानी पीने के लिए, तो आप उसको सीधा सपना लिख लीजिए। आप आपका दिमाग आपके साथ गेम खेलेगा, बोलेगा कि अरे नहीं नहीं सुबह तक याद रहेगा मेरे को सपना, बहुत इजी सपना है, कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट वाला नहीं है। सुबह तक उठोगे आपको सपना याद नहीं रहेगा, मेरे साथ पर्सनली ये होता है। तो साथ में डायरी रखिए और जो सपना आता है, अगर कुछ भी छोटा सा वर्ड हो, जैसे अगर आप शिप पे हो, शिप लिख लीजिए, शिप किसके साथ हो उसका नाम लिख लो और बस। सुबह उठोगे, जैसे ही सुबह उठोगे आपका जो माइंड फ्रेश होगा, आप सीधा डायरेक्ट लिंक बिठा पाओगे कि क्या है उस शिप का मतलब। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे इसका मतलब क्या होता है, इस ड्रीम का मतलब क्या होता है, तो आपको बहुत ही जेनेरिक आंसर्स मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपना आंसर खुद ढूंढिए, कोई क्योंकि कोई आपका आंसर नहीं ढूंढ पाएगा, आपकी जो ड्रीम्स है सिर्फ आप ही इवैल्यूएट कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा टेक्निक इब्राहिम हिक्स का, प्रोसेस नंबर 8, इवैल्यूएटिंग ड्रीम्स। आने वाले टाइम पे मैं और भी प्रोसेसेस लेके आऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे मन से कि मैं वीडियोस लाता रहूँ डेली बेसिस पे, बट मेरा काम बहुत बिजी चल रहा है तो इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही है कि मैं टाइम अकोमोडेट कर पाऊँ। बट अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फायदा उठाना चाहिए मेरे को, और मेरे को और टाइम बनाना चाहिए, ये मेरे लिए लेसन है। तो खैर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, मेरा नाम जतिन है। आप अगर नए हो इस चैनल पे, प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग, और बेल आइकन पे बटन दबाइए अगर आपको नोटिफिकेशंस चाहिए जैसे ही मैं वीडियो लाता हूँ। कोई क्वेश्चंस हो प्लीज़ पूछिए, अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।